तरह से तो यही लग रही है कि उसे फंसाया गया। पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी वो, खेल कूद में भी अच्छी थी। तो कहती थी पापा मैं नौकरी कर लू। पुलिस यूं बोल रही थी मैम कि इस लड़की को फंसाया गया है तो ये 2-4 दिन में जेल से बरी हो जाएगी, यूं बोली थी। हाँ कहा था नहीं मैम कि ये सरकारी गवाह बन चुकी है, अब इसका केस खत्म हो जाएगा। इन लोगों ने मुझे इस तरह से उलझाया कि अगर मैं इनके खिलाफ बोलती तो ये मुझे ना तो गांव आने देते थे, आती थी तो ये बोलते थे कि तुम घर पे कुछ नहीं बताओगी, ऐसा कुछ मतलब जाल बिछाया था उसके खिलाफ, उसे फंसा लिया था मतलब, फिर उसको भी ब्लैकमेल किया गया। ये आरती मैम हमारे घर पे आई थी, आरती ने यूं कहा आके कि आपकी बहुत अच्छी लड़की है, इसको हम पढ़ाऊंगा, इसको घर पे मत रखना आप, हम इसको पढ़ाऊंगा, सर्विस दिलवाएंगे इसको। वो आरती ने यूं बोला था कि हम गरीबों की मदद करते हैं, हम गरीबों का बच्चा बच्ची का भविष्य सुधारते हैं। फिर हमने मना कर दिया, मन नहीं मैम हम नहीं भेजा हूँ, क्योंकि हम उसको नहीं जानते थे मैम, इसलिए हमने मना कर दिया। लेकिन वो फिर नहीं मानी। हाँ 10-15 दिन बाद गई फिर। पढ़ाई में काफी अच्छी थी, इसीलिए परिवार के लोगों ने उसे पढ़ाई के लिए इस गांव से बाहर भेजा। यहाँ तक कि परिवार के लोगों ने अपने मंथली इनकम में से 20% खर्च उसकी पढ़ाई में किया। उनका कहना है कि लाइफ में एक ही एम्बिशन था कि वो एक अच्छी नौकरी करे और घर वालों की मदद करे। घर कभी आई यहाँ पर आप लोगों से मिली? हाँ आई नहीं मैम, 2-3 बार आई हुई घर पे। हाँ पैसे भी 2-3 हजार, 2-3 हजार वो जब भी आती थी, जब देके जाती थी। गया था मैम एक बार भोपाल में, उस समय फिर मैं के साथ उसके जहाँ वो रहती थी उनके मकान पे गया था, बढ़िया था, पक्का मकान था। नहीं इनके साथ आरती मैडम थी और एक और भी लड़की थी, ये तीनों रहती थी भोपाल में। हमसे तो यूँ बोलती थी पापा मारो कॉलेज है 9 बजे से 2 बजे तक, बस एक बाद में मैं कोचिंग जाऊं 1 घंटा के लिए। ने कुछ नहीं बताया मैम, यूँ मैंने बूझे सो सही मन की थारी दीदी कहीं काम करे तो पापा ये टेंडर लेवे, इनके बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं उनकी लिखा पढ़ी करवाती रहूं, ऐसा बताया था। परिवार वालों का और गांव के लोगों का कहना है कि पहले ने जब आरती यादव के साथ काम करना शुरू किया तो उसने गांव की अन्य लड़कियों के साथ भी बातचीत की और कहा कि उन्हें भी नौकरी में मदद करेगी, बट बाद में उन्होंने उन सब लड़कियों को नौकरी से मना कर दिया, शायद इसलिए क्योंकि उसे पता चल गया कि किस तरह की रैकेट में वो खुद फंस चुकी है और वो ये नहीं चाहती थी कि और लड़कियाँ भी इस रैकेट में फंसे। Thank you.